तो भाई फाइनली बंटाई की पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। आज एमवे का डिस्ट्रैक्ट आ गया है कृष्णा के लिए। जो गाना उन्होंने निकाला था मचाएंगे फोर, जो डिस्ट्रैक्ट निकाला था एमवे के लिए, उसका फाइनल रिप्लाई एमवे की तरफ से आ गया है, ठीक है। और वो आया आज रात को 11 बजे। तो आई होप आप लोग वो गाने ट्रैक को सुन चुके हो, अगर अभी तक नहीं सुने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फटाक से वो पहले गाना चेक करके आओ। तो हम लोग को सबको पता है कि एमवे का जो डिस्ट्रैक्ट आता है वो कितना ज्यादा एक्सप्लिसिट होता है और वो कितना ज्यादा कंटेंट रखता है, बहुत ही पावरफुल होता है, ठीक है। तो एज यूजुअल इस बार का जो आया वो और ज्यादा ब्रूटल आया, क्योंकि कृष्णा की तरफ से भी हम लोगों को काफी अच्छे अच्छे डिस्ट्रैक्ट देखने के लिए मिल गए थे, ठीक है। तो जो लास्ट आया था मचाएंगे फोर, उसका रीच बहुत अच्छा जा रहा था, वो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में रैंक कर रहा था, स्पॉटीफाई पे और बहुत सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेंडिंग पर रैंक कर रहा था। तो उसके रिप्लाई में एमवे को बहुत जल्दी से एक डिस्ट्रैक्ट निकाला था, तो फाइनल उनके तरफ से डिस्ट्रैक्ट आ गया। अगर आप लोग सुने नहीं हो तो मतलब नहीं बोल सकता मैं कुछ भी, लेकिन अगर आप उसको एक बार सुन लेते हो तो फिर सब चीज खत्म, ठीक है। अगर मेरे को पता है, मैं ओवरऑल आप लोग को एक ही बात बोलूंगा, बस एक ही बात बोलूंगा वीडियो के थ्रू, अगर आप लोग अभी तक कृष्णा के फैन हो गए ना तो अगर आप ये ट्रैक सुन लेते हो बस, क्या फिर समझ जाओ, बोलना नहीं चाहूंगा, आप एमवे के फैन बन जाओगे। इस टाइप का वो डिस्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो मतलब आप बस एक बार सुन लो, इतना ज्यादा उसमें रियलिटी बताया एमवे ना, इतना ज्यादा ट्रूथ बताया ना इसने। और जो भी मचाएंगे फोर में जो भी एलिगेशन और जो भी बात कृष्णा ने बोले, जो भी उसने उस ट्रैक में बोला, उसका हर एक चीज का रिप्लाई, हर एक वर्ड टू वर्ड रिप्लाई, ठीक है। तो मतलब आप लोग समझ नहीं सकते क्या चीज हो गया है, मतलब बहुत ही ज्यादा, और देसी हिप हॉप में ऐसा चीज पहली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक करते हो कि बीट किसने प्रोड्यूस किया है, हालांकि आप लोग पोस्टर में देख के समझ गए होंगे कि पेंडो 46 ने बीट प्रोड्यूस किया है, तो फाइनली हम लोग को देखने मिला, क्योंकि जो कृष्णा का जो लास्ट डिस्ट्रैक्ट आया था उसमें भी जो बीट था वो पेंडो 46 ने ही दिया था, ऐसा कृष्णा ने बोला था, ठीक है। लेकिन पेंडो ने अपनी तरफ से क्लियर किया कि वो जो डिस्ट्रैक्ट आया था उसमें उनके वेबसाइट से, उनके स्टोर से वो बीट कृष्णा के नाम से भी नहीं, किसी और के नाम से खरीदा गया, और उनको पता भी नहीं था कि इधर से कृष्णा की तरफ से डिस्ट्रैक्ट आने वाला है। और दूसरा चीज जो एमवे ने काउंटर किया है मचाएंगे फोर में, उन्होंने कृष्णा ने एलिगेशन लगाया था कि जो उनका आधा लिरिक्स है केआर डैश साइन का, वो गॉश ने लिखा है, ठीक है। तो ये चीज ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी इंस्टाग्राम स्टोरी से कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, और भी उन्होंने कुछ हुआ था कि इनके लेवल का जो बेस्ट रैपर है वो समथिंग समथिंग, आपको पता ही होगा। तो वो सारे चीज का काउंटर हम लोग को स्टोरी में ही देखने के लिए मिल गया था गॉश की तरफ से, ठीक है। एमवे ने तरफ से कुछ शेयर नहीं किया था, लेकिन इस ट्रैक में जो एमवे ने दिया, अगर आप लोग नहीं सुने तो एक बार जाके, मेरा एडवाइस है कि सुनो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहां जाके सुनो। तो इसमें पूरा एमवे ने काउंटर करते हुए बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, अभी मैं अगर आपको वर्ड टू वर्ड बता दूंगा तो मजा खराब हो जाएगा। और तीसरा चीज जो एमवे ने कवर किया इस डिस्ट्रैक्ट में ना, जो मेरे को, मेरा जो पर्सनल फेवरेट बन गया है, वो कृष्णा ने अपने तरफ से उसमें एलिगेशन लगाया था कि अनपढ़ है तू, तुमको मालूम भी नहीं कि विश किससे पूरे होते हैं। एमवे ने अपने ट्रैक में बोला कि अलादीन के थ्रू विश पूरे होते हैं, लेकिन कृष्णा ने बोला कि जिन के थ्रू होते हैं, और इस चीज पे कृष्णा ने एमवे को अनपढ़ बोला, ठीक है। तो इसका जो काउंटर एमवे ने दिया है, मतलब बाय टू द नेक्स्ट लेवल, मतलब कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा रिप्लाई एमवे अपने तरफ से करेंगे। तो मुझे पूरे जो डिस्ट्रैक्ट का बेस्ट पार्ट लगा ना, यही लगा। देखो मेरे हिसाब से तो डिस्ट्रैक्ट, एक डिस्ट्रैक्ट का रिप्लाई तभी होता है कि अगर उसमें सारी बातों का काउंटर किया गया हो, ठीक है, तभी जाके कोई विनर बनता है, व्यूज और बाकी चीज से विनर नहीं होता। तो चौथा चीज जो एमवे ने कवर किया ना अपने तरफ से, वो मेरे को भी अच्छा लगा एक, लेकिन चलो ठीक था, बहुत अच्छा कवर किया एमवे ने। जो एमवे का ग्राइंड गाना था उसका जो कॉपी किया था, मिमिक किया था कृष्णा ने, उसका जो एमवे ने रिप्लाई किया है ना, वो भी टू द नेक्स्ट लेवल ही था। और जो बैक स्टेज बात हो रही थी कि डिवाइन ने मिलाया, इसने मिलाया, उसने मिलाया, फिर कृष्णा ने अपने ट्रैक में अपने तरफ से कुछ बात रखी, वो चीज भी इसमें एमवे ने अपने तरफ से पूरा क्लियर कर दिया, ए टू जेड क्लियर कर दिया, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट जो काउंटर किया ना एमवे ने, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि एमवे तो एमवे है भाई, उनके तरफ से जो डिस्ट्रैक आता है वो तो फिर टू द नेक्स्ट लेवल ही होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कैसा रिप्लाई करते हैं वो। एंड कमिंग ऑन टू द मोर थिंग्स, एमवे ने हर एक चीज को काउंटर किया, हर एक एलिगेशन और हर एक बात जो कृष्णा ने अपने तरफ से उनको बोले, जैसे उन्होंने मिंटा पे भी लगाया था कि इसकी नीली बाल वाली जो सहेली है उसके तरफ से भी जो काउंटर आया था कृष्णा की तरफ से, उसमें भी एमवे ने बहुत ही बॉम्ब रिप्लाई किया। तो मतलब आप लोग ऐसा, मतलब मैंने ऐसा कभी डिस्ट्रैक्ट सुना ही था। तो इसी तरह जितने भी एलिगेशन और जितने भी बात बोले गए थे कृष्णा की तरफ से एमवे को पिछले डिस्ट्रैक्ट में, वो सारे का रिप्लाई एमवे ने दिया, और बहुत ही बॉम्ब दिया, क्योंकि वो चीज़ तो बस बीकेपी समझ सकती है कि क्या दिया था। अगर आप बीकेपी हो तो कमेंट करके मेरे को बताओ कि आपको ये जो डिस्ट्रैक्ट लगा वो कृष्णा के मचाएंगे फोर के ऊपर कैसा लगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके ये बात जरूर बताना, ठीक है। और भी सारी चीज़ों का रिप्लाई है तो वो हर चीज़ इस वीडियो में नहीं बोल सकता मैं। अगर आप लोग गाना सुनोगे, ओवरऑल मैं इतना ही बोल सकता हूँ उस ट्रैक के बारे में, मतलब जितनी बार आप उस ट्रैक को सुनोगे उतनी बार आपको एक नई चीज़ समझ में आएगी, उतनी बार आप एक नई चीज़ को डिकोड कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा है, मैं खुद उसको
15 बार सुना, 20 बार सुना, तब जा मतलब मन नहीं भरा था गाना सुनने के बाद, इतना बॉम्ब ट्रैक आया ना वो, मतलब मन नहीं भरा था। तो 15 बार सुना मैं, 20 बार सुना, तब जाके मैं सारी चीज़ों को डिकोड किया और अभी आके मैं वीडियो में बोल पा रहा हूँ। तो ओवरऑल अब दोनों तरफ के फैंस होंगे, कृष्णा के कुछ फैन बेस होंगे और BKP के कुछ फैन बेस होंगे जो कि ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किसकी तरफ से हो, किसके फैन हो, ठीक है। एंड एट द एंड आपको मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये जो बीफ है ये कृष्णा और MEP की तरफ से है, ठीक है। तो आप लोग जो उनके ऑडियंस है वो भी मतलब ऐसा मत करना कि आपस में बीफ करो, ठीक है। आप लोग को मतलब कैसा होना चाहिए, आप लोग को बस इंडियन हिप हॉप और देसी हिप हॉप को सपोर्ट करना है, ठीक है, कि वो और ऊपर जाए, ठीक है। तो मेरा भी पर्पस ये वीडियो बनाने का, ऐसा नहीं है कि मैं MEP का फैन हूँ या फिर मैं कृष्णा का फैन हूँ तो ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे लास्ट वीडियोस भी आप लोग जाके चेक कर सकते हो, मैंने उस पर ही बनाया हुआ वीडियो जब मचाएंगे 4 आया था, ठीक है, तो उस पर ही मैंने बना के रखा हुआ। तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इंडियन हिप हॉप को सपोर्ट करना, ताकि इंडियन हिप हॉप और ऊपर उठ जाए, ठीक है। तो आपको उसको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो में एक कमेंट तो करना पड़ेगा। अगर अभी तक आप कमेंट नहीं किए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कमेंट करके वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और अपन मिलते हैं ऐसी किसी अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।